नमस्कार साथियों, आप हमारे साथ देख सकते हैं न्यू होलैंड का नई श्रेणी का 52 हाथकारों का ट्रैक्टर। और हम यहां पर अपना खेत में लहसुन चौपाई का काम कर रहे हैं और देख सकते हैं अच्छी जो नई सीडी ने इससे काफ़ी अच्छी क्यारियां बन रही है। टाइम देख लेते हैं हम 2-5 और का, और काफ़ी देख सकते हैं आप ये। आप जब भी अपने खेत में लहसुन की चौपाई करें तो आप रोटावेटर जरूर फिरवाएं, क्योंकि रोटावेटर नहीं फिरने के कारण रिस्पॉन्स, लेकिन जो मशीन के साथ जो होता है अक्सर देखिए आप लहसुन थोड़ी बाहर आ जाती है, तो ये ध्यान रखिए आप। और इस मशीन में थोड़ा सा दिक्कत भी हमको नज़र आ रहा है कि ये एक तरफ की साइड इसकी मिट्टी ज़्यादा आ रही है, तो हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करें। ये हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। पिछली बार हमने भी अपने खेत में बोई थी लहसुन, लेकिन कुछ कारणों के कारण वो अच्छी नहीं हुई, तो उसका हमने मार्केट नहीं किया। हमारे भाई साहब ने लहसुन बोई थी तो 15,000 रुपये क्विंटल के भाव से वो गई। उठते नहीं है पानी के कारण, हम जो पानी आता है उससे, और अगर आप रोटावेटर चलाते हैं तो पानी, और देख सकते काफ़ी अच्छा अपनी श्रेणी में ये ट्रैक्टर। हमारे गांव में पहला ट्रैक्टर है, आसपास के इलाके में भी नहीं है जो पहला ट्रैक्टर है, लेकिन हमारे जो ड्राइवर साहब हैं उनसे एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है सीडी का, इसलिए बार बार ऊपर इनको एडजस्टमेंट करते हुए देख सकते हैं आप। यहाँ से इसके अंदर से लहसुन इसमें आती है और यहाँ से भी नीचे गिरती है। अभी एडजस्टमेंट ज़्यादा ही गिर रही है, क्योंकि हमने इसको पूरा भरा था, और आप देख सकते हैं मात्र इतनी सी जगह में ये इसने अभी तक चौपा है और हमारी आधी पेटी खाली कर दी है। वैसे कुछ लहसुन उस पेटी में भी है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें। हम तो चल